डोला जानते हैं माननीय मंत्री जी, कभी नहर का डोला, अंग्रेजों के समय में जो डोला की भी सफाई होती थी, डोला तब क्या, मैं इसलिए जानना, आप तो आप कहीं धन्ना सेठों के बेटे नहीं हो, किसान परिवार की बेटी हो, पानी भी लगाया होगा, नहर पर भी गए होंगे, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैंने तो पानी भी लगाया है। माननीय सदस्य समाप्त, नहर पर भी गया हूँ, 34-35 मिनट हो गए लगभग, तो ये तो 6 साल में ज्ञान हो जाना चाहिए था भाई मंत्रियों, तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, नहीं वो मिलेंगे बहुत ज्ञानी है ऐसा है? बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें तो, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे ये सुझाव को सबको जोड़ा जाए, जी माननीय मंत्री जी जोड़ लो, हम तैयार हैं, बुंदेलखंड का दौरा तो करेंगे, और जो मैंने जो जितने भी बांध बनाए थे कम से कम उन्हें पूरा भरवा दो, राजघाट पर एक दिन चले जाना, मैंने मध्य प्रदेश में बाण सागर में कम से कम बाण सागर में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो बजट था ज्यादा ले लिया, मैंने कहा था मीटिंग में, मैं कहा था वहाँ के मंत्री भी थे, वहाँ के प्रमुख सचिव भी थे, लेकिन वो पैसा साथ अभी तक भी 300 करोड़ रुपया ज़्यादा ले लिया, वो भी बात करा दो तो उससे आपका और थोड़ा सा भला हो जाएगा, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बहुत ज़रूरत है सिंचाई विभाग में, अगर अन्नदाता में कुछ सुधार, उनकी आय अगर बढ़ानी है, आय बढ़ी तो है नहीं कुछ भी, घटी और है, तो इस तरीके से अगर हम लोग तो अंग्रेजों से परेशान थे, मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके से काम इसी तरीके से अगर झूठी बातें होती रहीं तो फिर तो इससे तो अंग्रेजों से बदतर हालत इस समय है इस प्रदेश की, किसानों की हालत इस समय है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य साहब, तो ये सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, जी।